गाइज यहां से आप बिल्कुल प्रूफ के साथ देख सकते हैं कि 11 अक्टूबर को मेरे फेसबुक के ऊपर एक कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक पड़ा था, उसके बाद मेरा सारा कुछ डीमोनेटाइज कर दिया गया, इन स्ट्रीम ऐड, ऐड ऑन रील, स्टार, सारा कुछ को डीमोनेटाइज कर दिया गया और उसका अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। फिर मैंने उसमें एक जबरदस्त दिमाग लगाया और एक जबरदस्त ट्रिक लगाया, उसके 5 से 7 दिनों के बाद यहां पर आप बिल्कुल प्रूफ के साथ देख सकते हो कि मेरे बादशाह गोल्डन वाली आईडी पे मैंने इस पर फिर से मोनेटाइजेशन को ऑन किया और सारा मोनेटाइजेशन टूल को ऑन कर लिया और मेरा फिर से अर्निंग बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप भी कुछ इस प्रकार के गलतियों को करते हो या फिर ऑलरेडी कर चुके हो तो भैया आपका फेसबुक प्रोफाइल हो या फिर पेज हो, आपका फेसबुक प्रोफाइल या फिर पेज बर्बाद हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि आखिर फेसबुक कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक है क्या और कौन कौन सी गलती करने से ये मेरे फेसबुक प्रोफाइल या फिर पेज के ऊपर आता है। अगर एक बार मेरे फेसबुक पे कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक पड़ चुका है तो भैया इससे हमको क्या क्या नुकसान हो सकता है और इस परिस्थिति में हमको क्या क्या करना चाहिए। अगर मेरे फेसबुक के प्रोफाइल या फिर पेज के ऊपर एक बार कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ गया, क्योंकि भैया आज नहीं तो कल आप सारे चीजों को नहीं समझ सकते हो, तो आज नहीं तो कल आपके फेसबुक पे आएगा, तो इस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए और इससे कैसे बचना है और इसको एक सप्ताह के अंदर आप इसको कैसे मोनेटाइज करके फिर से अपने फेसबुक को सही कर सकते हो, सारा कुछ बताऊंगा एकदम डिटेल के साथ। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां से आपको बिल्कुल डिटेल में और लाइव प्रूफ समझाने के लिए मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक है क्या और कौन कौन सी गलती करने पर हमारे फेसबुक के प्रोफाइल या फिर पेज के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक पड़ता है। ऑन करने के बाद सबसे पहले हमको अपना फेसबुक खोल लेना है। फेसबुक खोलने के बाद प्रोफाइल पे चले आते हैं और प्रोफाइल पे आने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि 11 अक्टूबर 2023 को मेरे फेसबुक के प्रोफाइल पे यानी कि मेरे फेसबुक पे एक कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक पड़ा है। और यहां पर देख सकते हो कि भैया कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक है क्या, तो कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक एक तरह का स्ट्राइक है जो कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी होता है, अगर वो गलती को आप करते हो तो फेसबुक आपको मनाही करता है कि भैया आप फेसबुक पे इस प्रकार के काम को नहीं कर सकते हैं और ये आप पे स्ट्राइक पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी गलती है जो करने पर हमारे फेसबुक पे कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक पड़ता है। तो यहां पर देख सकते हो कि भैया मेरे फेसबुक के प्रोफाइल पे यहां पे फ्रॉड एंड डिसेप्शन का एक स्ट्राइक पड़ा था 11 अक्टूबर को, उसके बाद मेरे सारे कुछ को डीमोनेटाइज कर दिया गया था। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर बिल्कुल साफ तौर पर पढ़ सकते हो भैया 11 अक्टूबर 2023 को यह स्ट्राइक पड़ा था और यहां पर देख सकते हो कि मैंने एक वीडियो डाला था 20 दिन में 1 लाख की कमाई कॉपी पेस्ट करके फेसबुक से, मैंने ये वाले वीडियोज को डाला था और जैसे ही मैंने ये वाले वीडियोज को डाला इस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया था भैया, फिर भी मेरे वीडियोज पे कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक पड़ा, वो भी फ्रॉड एंड डिसेप्शन मतलब धोखाधड़ी का मामला मेरे पर दर्ज हुआ है। तो चलिए इसके पूरे रूल के बारे में जान लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी गलती अगर आप करोगे तो आप भी फेसबुक के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक पड़ सकता है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के, यहां पर देख सकते हो कि एग्जांपल ऑफ थिंग वी वांट अलाउ, मतलब भैया कुछ ऐसे एग्जांपल है जो कि आपको इसके लिए अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले पोस्टिंग फेक रिव्यूज, मतलब किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का आप समीक्षा करते हो, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट का आप रिव्यूज करते हो और उसके बारे में आप गलत सलत जानकारी देते हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो चाहे वो भैया वो किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट हो, अगर उसके बारे में आप किसी भी प्रकार के गलत जानकारी देते हो या कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है और उसके बारे में आप बता रहे हो भैया इससे ये कमाओ इससे वो कमाओ और कोई भी ऐसा गलत वेबसाइट का आप लिंक डाल के प्रमोट कर रहे हो, तो वो फेक रिव्यूज के अंतर्गत में आता है। दूसरा में कह रहा है स्टार्टिंग ए रोमांटिक रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू समवन मनी, मतलब भैया अगर कोई भी ऐसा वीडियो आप बना रहे हो, जैसे देखते हो ना भैया कोई ऐसा लंद फंद का वीडियो आता है, बोलता है वीडियो कॉल करने के लिए इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करो, 50 रुपया देना है, 100 रुपया देना है, तो मतलब कुछ भी ऐसा रोमांटिक रिलेशनशिप बनाकर अगर आप किसी से पैसे की डिमांड करते हो या फिर अपने वीडियोज के थ्रू कोई ऐसा ऐसा रोमांटिक वीडियो डालकर आप पैसे कमाने का प्रयास करते हो तो आपके ऊपर भी कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक पड़ सकता है। और यहां पर कह रहा है फैसिलिटिंग मनी लॉन्ड्री, मतलब कुछ ऐसा प्रकार का मनी लॉन्ड्री का आप उपयोग करते हो जिसमें भैया पैसे मांग रहे हो या पैसे दिखा रहे हो, मतलब दिखाना मतलब वो नहीं हो गया कि आप शो ऑफ कर रहे हो तो आप पे स्ट्राइक पड़ जाएगा, ऐसा नहीं, मतलब किसी से बलजोबरी पैसे मांग रहे हो या फिर किसी को पैसे देने के लिए आप उकसा रहे हो या फिर कुछ भी प्रकार के मनी लॉन्ड्री के बारे में आप दर्शाते हो,
तो आप पे कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक पड़ सकता है। और यहाँ पे कर रहा है इन फुल, तो जैसे ही मैं यहाँ पर रीड इन फुल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे जो है यहाँ पर आपके पास पड़े हुए हैं धोखाधड़ी और जालसा, और बहुत सारे ऐसे जो है जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप आत्महत्या और खुद को चोट पहुंचाना ये सब भी करते हो तो आप पे कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक पड़ सकता है। धोखाधड़ी और जालसाजी ये भी करते हो तो भैया आप पे कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक पड़ सकता है। यूजर के अनुभव के अनुसार भी आप पे कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक पड़ सकता है, और सतर्कता के तहत भी आप पे कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक पड़ सकता है। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारे फेसबुक के पेज या फिर प्रोफाइल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक आता है तो हमको कौन कौन से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला नुकसान ये होगा कि आप जितने भी मोनेटाइजेशन टूल से अगर आप फेसबुक से अर्निंग कर रहे हो, चाहे वो इनस्ट्रीम ऐड हो चाहे वो ऐड ऑन रील हो, सारे के सारे मोनेटाइजेशन टूल को डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा और आपका जो अर्निंग है उसको तुरंत का तुरंत रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा। और आपके जिस भी वीडियो पे कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक पड़ा है उससे आपने जितना भी पैसा कमाया होगा सारे के सारे पैसे को डिडक्ट कर लिया जाएगा, मतलब वो पैसा कट हो जाएगा। और दूसरा नुकसान ये होगा कि आपके पेज या फिर प्रोफाइल जिस पर भी आया है उस पर एक पॉलिसी इशू दिखाएगा और प्रोफाइल इशू दिखाएगा और पेज इशू दिखाएगा, और ये बहुत लंबे समय तक आपके फेसबुक प्रोफाइल या फिर पेज के ऊपर रहेगा और ये जल्दी रिजॉल्व नहीं होगा। तीसरा नुकसान होगा कि अगर ये आपके फेसबुक के ऊपर आता है तो आपके फेसबुक का रिकमेंडेशन बंद कर दिया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो कि मेरे फेसबुक के प्रोफाइल पे आया है तो मेरे फेसबुक के प्रोफाइल का रिकमेंडेशन भैया बंद कर दिया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि भैया मेरे किसी कारणवश या फिर मेरे किसी गलती के वजह से या फिर जानकारी नहीं होने के वजह से अगर मेरे फेसबुक के प्रोफाइल या फिर पेज के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक पड़ गया है तो उस अवस्था में हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए अगर आपके किसी भी गलती के वजह से आप पे कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक पड़ा है तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको एकदम इत्मीनान से काम लेना है, क्योंकि अगर घबरा के आप कुछ उल्टा पुल्टा कदम उठा लिए तो आपके फेसबुक प्रोफाइल या फिर पेज हमेशा के लिए चला जाएगा। जी हाँ, हमेशा के लिए डीमोनेटाइज हो जाएगा या फिर वो जो है अनपब्लिश हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, अगर आपके फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक पड़ा है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरे कौन से वीडियोज पे कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक पड़ा है। अगर वो सच में पड़ा है, भैया मैंने उस वीडियो में ऐसा कुछ गलती को किया है, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, वहां पर आपको बिल्कुल वैसे ही छोड़ देना है। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मैंने इस गलती को नहीं किया है और बाय डिफॉल्ट मेरे फेसबुक पे ये किसी कारणवश गलत चीजों के वजह से आ गया है तो आप इस पर रिव्यू के लिए जा सकते हो। अगर फिर भी आपका रिव्यू डिमोनेटाइज कर देता है और आपके वीडियोज को वापस नहीं दिया जाता है तो समझ जाइएगा कि आपके वीडियोज में कुछ ना कुछ गलतियों को आपने किया है। तो अगर ये किसी कारणवश आपका डीमोनेटाइज हो गया है, कुछ भी हो गया है, तब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल के ऊपर आपको एक फ्रेश वीडियो को अपलोड करना होगा। फ्रेश वीडियो बोलने का मतलब है उसमें कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होना चाहिए और वो आपके फेस कैम और आपका वॉइस का ओरिजिनल वीडियो होना चाहिए। ये काम करने के बाद आपको अपने फेसबुक के प्रोफाइल या फिर पेज के ऊपर दो बार लाइव आना है और वो लाइव 5 मिनट से ज्यादा का होना चाहिए, और आपको एक रील को है आपको अपलोड करना है वो भी ओरिजिनल वॉइस और ओरिजिनल वीडियो के साथ। इतना काम करने के बाद आपको 7 दिनों के अंदर इतना काम कर लेना है। इतना काम करने के बाद अब आपको जाना है अपने फेसबुक के मोनेटाइजेशन में। मोनेटाइजेशन में जाने के बाद यहां से आपको रिव्यू रिक्वेस्ट का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो रिव्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करके वहां से इसको टिक करके रिव्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप रिव्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिएगा आपका फेसबुक प्रोफाइल या फिर पेज 7 दिनों के बाद जो डीमोनेटाइज हो गया था ना उसको फिर से मोनेटाइज कर दिया जाएगा। अगर ये रिव्यू रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन को आप पहले ही भैया जो है डाल दोगे तो इसमें आपका गड़बड़ हो सकता है। तो भैया मैंने जो आपको काम बताया है वो काम को करने के बाद आप 7 दिनों तक रुक जाइएगा, 7 दिनों तक इंतजार कर लीजिएगा, उसके बाद आप रिव्यू रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन को सबमिट कीजिएगा। अगर आपके फेसबुक प्रोफाइल या फिर पेज के ऊपर 90 दिनों के अंदर पहला बार स्ट्राइक आता है तो आपका 7 दिनों के लिए सारा अर्निंग टूल को डिमोनेटाइज कर दिया जाता है। अगर 90 दिनों के अंदर 2 बार आपके फेसबुक पे स्ट्राइक आता है तो वो जो है 30 दिनों के लिए आपका डिमोनेटाइज कर दिया जाता है। अगर आपका फिर से भैया 90 दिनों के अंदर 3 स्ट्राइक पड़ता है
तो वो जो आपका अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड है ना, वो 90 दिनों के लिए कर दिया जाता है, और उसके साथ ही साथ हो सकता है आपके फेसबुक प्रोफाइल या फिर पेज को अनपब्लिश कर दिया जाए और उसको डिलीट भी कर दिया जाए। तो ध्यान रखिएगा, 90 दिनों के अंदर 3 स्ट्राइक नहीं पड़ना चाहिए, वरना आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो जाहिर सी बात है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो यार, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी फेसबुक की जानकारी देते हैं, तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।